अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये जो सामने आपको JW मैरियट का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये सिर्फ बोर्ड नहीं है बल्कि ये JW मैरियट की साइट है। यहाँ पे JW मैरियट होटल बनने जा रहा है। JW मैरियट होटल गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के अंदर बनने जा रहा है। अब हम अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते रहेंगे और साथ साथ आपको इस होटल के बारे में बताएँगे डिटेल में। ये जो गुलबर्ग ग्रीन्स है, इसके अंदर आपको पता है हम एक पूरी वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं कि यहाँ के अंदर कौन से वर्टिकल टावर्स हैं, किस ग्रुप ने बनाए हैं और उसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो फार्म हाउसेज हैं, प्लॉट्स हैं और यहाँ गुलबर्ग के अंदर किन लोगों ने कैसे कैसे फ्रॉड्स किए, ये सारा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। बहरहाल आज हम अपने आप को JW मैरिट के बारे में बता रहे हैं और उसी के बारे में मज़ीद गाइड भी करेंगे। JW मैरियट 1984 में वाशिंगटन DC अमेरिका में इसकी सबसे पहले ब्रांच बनी थी। अब दुनिया में 110 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं और इस वक्त ये जो एक ब्रांच है यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर, ये 2029 तक ये ऑपरेशन हो जाएगी, यानी आज से तकरीबन 6 साल बाद। और मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि इसका उनका पहला क्लाइंट मैं ही हूँ, बाकी देखते हैं ज़िंदगी कितना साथ देती है। एनीवेज इसका बकायदा MOU साइन हो चुका है और गुलबर्ग ग्रीन्स की तरफ से IB के जो हैं शुजातुल्ला कुरैशी साहब और JW मैरियट के CFO गालवन, उनका नाम अली है, इन दोनों ने आपस में इसका MOU साइन किया है। उस MOU के मुताबिक ये 2029 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन 250 के करीब करीब इसके अंदर रूम्स बनेंगे और ये जो होटल है ये गुलबर्ग के अंदर गुलबर्ग एक्सप्रेसवे के ऊपर बन रहा है और इसके अंदर आपको स्पा, यहाँ पे इवेंट्स की जितनी भी सहूलतें होती हैं वो मिलेंगी। यहाँ पे इंडोर आपको स्विमिंग पूल, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम्स मिलेंगे और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे डाइनिंग्स की फैसिलिटीज़ होंगी। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और ज़बरदस्त चीज़ है कि गुलबर्ग के जो लोग हैं वो इन सारी फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकेंगे और गुलबर्ग जैसे एक समझे कि एक सोसाइटी के अंदर ऐसा 5 स्टार या 7 स्टार, 7 स्टार होटल तो आप इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि कहा जाता है कि 7 स्टार होटल है, लेकिन आप इसको 5 स्टार ही होटल समझें और ये होटल बनेगा और यहाँ पे लोग इस तरह की फैसिलिटीज़ इंजॉय करेंगे जो एक 5 स्टार होटल की होती है। और ये भी हमारे लिए खुशाइन बात है कि हमारे मुल्क में ये जो 5 स्टार और 7 स्टार होटल हैं इस तरह बनना शुरू हो गए। मुमताज़ सिटी के अंदर रेडिसन ब्लू वाले भी इस वक्त काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से वो प्रोजेक्ट जारी है। बहरहाल आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको जितने भी गुलबर्ग के वर्टिकल टावर्स हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल एनालिसिस मिलेंगे और गुलबर्ग के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ख्वाह अच्छी चीज़ हो रही हो या बुरी हो रही हो, उसके सब एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। स्टे ट्यून विद अस और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर है। अस्सलाम वालेकुम।